So continuing the 2020 paper further, going with question number 29 and afterwards, question number 29. Yeah, please continue. हाँ सर, वही बता रहे थे कि एन इज ए प्राइम नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, तो क्या प्राइम नंबर हो सकता है 10 to 20 के बीच में? तब 11 हो सकता है, 13 है, 17 है, 19 है, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि इस स्टेटमेंट 2 बोल रहे हैं कि इट लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4, तो 11 3 का रिमाइंडर देता है, 13 1 का देता है 4 से डिवाइड करने में, फिर 17 1 का देता है, तो 13 एंड 17 है दो आंसर। तो यहाँ लिखा हुआ है एफ एन इज अ यूनिक नेचुरल नंबर, यूनिक नहीं हुआ ना, दो आंसर है इसका, तो ये गलत है, तो इसका आंसर फिर डी होगा। 30 सही आता है भाई, टाइम तो लगाने वाला, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर सकते। S1 S2 दिया हुआ है, प्रोडक्ट 21 है, सम सर 10, सेवन थ्री पहला दिमाग में हाँ आएगा 7 3, तो एक ही हाँ नंबर है। व्हाट आर द टू नंबर्स? तो एक ही नंबर है, तो इसका आंसर सही है कि S1 S2 इज टुगेदर सफिशिएंट, बट नाइदर S1 अलोन और S2 अलोन इज सफिशिएंट, मतलब S1 चलिए S2 दोनों चाहिए आंसर। चलिए 31 का सर आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा बेसिकली, तो बहुत इजी होते हैं अगर सर ये वाले हाउस, क्वेश्चंस, हाँ चौथा ट्विटर ड्रॉ। का फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन का है वो, हाँ सर सिर्फ डायरेक्शन पूछते हैं। मीटर का भी है, अगर मीटर क्रॉस ओवर कर रहे तो मीटर चेंज हो जाता है, डायरेक्शन हाँ चेंज हो जाता है, इसलिए जरूरत। हाँ वो, हाँ प्लस वो माइनस का, जब ड्रॉ करते साथ ही साथ ही हाँ प्लस कितना माइनस का, इम्पोर्टेंट हाँ है। हाँ नहीं हाँ सर भाई, इसमें एक पाइथागोरस हाँ थ्योरम लगती है, वो वही कैलकुलेशन का, और तो कुछ नहीं है। इसमें पाते का सौरभ क्या थ्योरम है? इसमें क्यों बातें हाँ सर, सर वो इसमें पाइथागोरस ने सर, वो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर और बेस को प्लस करके हाइपोटेनस में मतलब लाके उसका ऐसा आंसर लगता है निकलता सर, है। जरूरी थोड़ा ना है, लेकिन नहीं सर वो मैं बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन में ऐसा होता है जनरली। ऐसा आएगा सर इसका हाँ ऐसे आएगा लाइन मैं, है, ये मैं बोल रहा हूँ। हाँ ऐसे आएगा सर, तो ऐसे ही इसमें वो बोल रहे कि स्टार्टिंग जो फेज है ना एच एच और लास्ट जो फेज है उसमें अब पाइथागोरस लग जाएगा, डायरेक्ट डिस्टेंस निकालना है, तो हाँ यही बोल रहा हूँ बेसिकली सर। हाँ ऑल मतलब नंबर्स आर डिविजिबल, डिस्प्लेसमेंट ऑल होता है। नंबर्स आर डिविजिबल, तो 2 एंड 3 से ऑल नंबर डिविजिबल, तो 6 से भी होगा 100%, 4 से जरूरी नहीं हो, 18 अगर अगर यूज करते हैं एग्जाम्पल तब 18 2 से है, लेकिन 3 से फोर भी फोर है से नहीं लेकिन है, 4 से नहीं है, नहीं है, तो वेरी फिर ओनली गुड। वन, चलिए ऑल कैट्स आर ऑल कैट्स डॉग, अ डॉग, तो ग्रैमर ऐसा का निकले, ऐसा निकलेगा सर, दो हाँ बिल्कुल सही बात है। तो और निकले बनाना पड़ता है क्या? तो हाँ ऑल कैट्स आर डॉग, बिल्कुल सही बना, ठीक है सारी। उसमें जरूरी नहीं कि और डॉग और ब्लैक के बीच में दिया नहीं रिलेशन, तो निकलेगा नहीं आंसर। चलिए नेक्स्ट, ये सर ये छाटने पड़ेंगे, सीरीज है। हाँ सर इसको करना ही नहीं किया था। नेक्स्ट ये रैंकिंग है सर, ये तो इसमें ड्रॉ करके निकलता है सर ये। भी हाँ लिख के ही हो जाता है। सर 36 हॉरिजॉन्टल वे में ड्रॉ करना, 36 इसमें बोल रहे हैं कि सी इज यंगर देन डी, ओल्डर देन ए एंड बी, मतलब तो डी जो है सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट है, ये पहले आ गया आंसर। स्टेटमेंट हाँ 2 बोल रहा है डी इज ओल्डेस्ट, तो स्टेटमेंट 2 जरूरी नहीं है, रहे नहीं रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, डी ओल्डेस्ट कैन बी डिराइव फ्रॉम स्टेटमेंट 1। तो इसमें जो आंसर डी है ना, S1 and S3 टुगेदर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हु अमंग द ए बी सी डी इज द यंगेस्ट, तो स्टेटमेंट 2 जरूरी नहीं है, दे या ना दे तो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट 37 ये भी सर कैलकुलेटिव है थोड़ा, तो उसे निकालना पड़ेगा। 4 है एज अ डिजिट लिखा हुआ है, तब फिर इसमें 0 4 1 4 ऐसे करके 2 4 लाइन से 9 बनेगा, और फिर 41 42 43 44 45 46 से लेकर 49 तक, उसमें फिर देखना है कि डिविजिबल फोन 4 से। चलिए नेक्स्ट, ये नहीं पता सर। वाई बी द जो वॉल्यूम इज मेटालिक क्यूब है उसका साइड दिया हुआ है क्यू का, क्यू का साइड 2 टाइम्स ऑफ पी है, तो पी अगर एक्स है तो क्यू का जो साइड होगा क्यूब का वो 2x होगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यू क्या होगा, एक्स 8x³, मतलब एन क्यूब होता है बेसिकली वॉल्यूम, तो 8x³ होगा, और वॉल्यूम ऑफ पी होगा x³। एक्स क्यूब होगा। हाँ तो यहाँ पर फॉर्मूला दिया है यू इक्वल टू एम बाई एक्स,
एम लेकिन दिया हुआ है यहाँ पर मास 2 टाइम्स है, 2 m दिया हुआ है, डिवाइड करें तो आ जाएगा सर यू इक्वल टू 4 भी आ जाएगा, वो कैलकुलेशन थोड़ा सा टू टाइम्स ठीक है। फॉर्मूला तो बैठाना है, यू इक्वल टू एम बाई एक्स। एज तो एज ऑफ टीचर इसमें दिया हुआ, अगर हम एस लेते हैं स्टूडेंट्स का, तो तीनों का स्टूडेंट का एक्स ही होगा, तो लिखा हुआ है कि एवरेज एज, मतलब कि टीचर का एज को अगर टी ले लेते हैं और स्टूडेंट को एस दे देते हैं, तो टी प्लस एस प्लस एस प्लस एस बाई 4 इज इक्वल टू 20, पहला 21 स्टेटमेंट है। सेकेंड वाला बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ अ टीचर एंड स्टूडेंट, मतलब कि टी माइनस एस इज इक्वल टू 20, तो ये दोनों सॉल्व करने से आंसर एस और टी, तो टी पूछ रहे इसमें। तो आगे आपका सेलिंग तो इसमें सर कि 100 माइनस 20 बाई 100 इंटू एक्स, एक्स कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, तो 3 लाख, तो आंसर 375 आ जाएगा, 375। नेक्स्ट फिर से पैसे स्पेनिश शिप्स इन द लेट सिक्सटीन फर्स्ट ब्रॉट द पोटैटो ट्यूबर फ्रॉम साउथ अमेरिका टू यूरोप वेयर इट बिकम रिलायबल बैकअप टू सीरियल क्रॉप पार्टिकुलर इन द कोल्ड रेन सॉफ्ट सोइल्स ऑफ आयरलैंड। ये आ चुका है। द आयरिश सून वर होली डिपेंडेंट ऑन पोटैटो, दे वर प्लांटिंग प्राइमरी प्रोडिजियस वैरायटी द लंप ऑफ पोटैटो हु जेनेटिक वैरायटी वुड बी क्रूली एक्सपोज बाय द फंगस infestans. In 1845, the spores of the deadly fungus began spreading across the country, destroying all the lumpers in its path. Resulting famine killed or displaced millions. इसका सर आंसर ए लगा डी हुआ होगा, है इसका, डी है इसका आंसर, बिल्कुल सही हाँ बात है, क्योंकि होमोजेनियस फूड था ना इसलिए वो डेथ हुआ। बिल्कुल। India is among the fastest growing global economies and home to the largest number of malnourished children in the world. These are the regions with exception but norm. Across the country, malnutrition is cause of death for roughly half the 1.3 million children who die before their 5th birthday each year. Even those who survive suffer permanently from the damage that has already been done to their bodies and not getting enough of the right food and nutrients. Around 44 million children are stunted. Makes it harder for them to learn in school and subsequently earn a living as an adult. Yes. Their lifetime earning potential is almost quarter than less than that of the healthy thieves. In fact, सर पहला गलत, पहला पहले सारे ऑप्शंस पढ़ लेते, पहला हो भी सकता है सही। शुड बी मॉनिटर्ड लिखा हुआ और पीडीएस की बात है, और अभी लाइक माल न्यूट्रिशन और उसकी बात करी तो करेक्ट हो भी सकता है। दूसरा नहीं हो सकता गर्ल्स शुड ठीक बी है, एंकरेज्ड होता टू डेली मैनेज। हाँ दूसरा नहीं होगा। है वो भी बात नहीं कर रहा है, माल मदर की बात नहीं हो रही है, वन हाँ तो ओनली वन ही ठीक हुआ फिर। ही होना चाहिए वार्षिक, तो मेरा मैंने वन ओनली वन मार्क किया था, लेकिन सर वरना इसमें ही सर होगा 2 3 4 5 इसका आंसर है, जी। इसी मेरा डाउट था, अच्छा बी है इसका आंसर। 2 3 4 5 कैसे हो रहा है, वुमेन की बात कहाँ कर रहा है, प्रैक्टिकल स्टडी सर बात नहीं कर रहे ना, लेकिन सब इम्प्लीकेशन है, प्रैक्टिकल रैशनल इम्प्लीकेशन बोल इम्प्लीकेशन रहा है। है ना सर। हाँ सर वो इन्फ्रेंस फ्रॉम द पहली पैसेज नहीं स्टेटमेंट, पूछ रहे, इम्प्लीकेशन पूछ पहली स्टेटमेंट तो सर ऐसी हो गई रहे ना कि मतलब यूनियन गवर्नमेंट ही सब कुछ कर सकती है, पीडीएस का स्टेट के बस इसने में कुछ है ही नहीं। डाला इम्प्लीकेशन में ठीक है 2 3 4 5। हाँ हाँ सर इन्फ्रेंस फ्रॉम द पैसेज होता है ना, तब हम लोग का वन होता सी, तो इसी में फिर बैठ के सोचे थे, तो हाँ अच्छा था ध्यान यार। तो क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ध्यान नहीं दिया ना इतने अच्छे से। गुड लक, चलिए नेक्स्ट। द पर्ल्स वैरायटी पूसा अरहर 16 हैज द पोटेंशियल टू ग्रो इनटू पैडी ग्रोइंग रीजन पंजाब हरियाणा यूपी एंड इवेंचुअली ऑल ऑफ इंडिया। इट्स यील्ड अबाउट 2000 केजी पर हेक्टेयर सर, ग्रेटर देन दैट ऑफ एक्जिस्टिंग वैरायटीज इन साइज एंड यूनिफॉर्म यूटिलिटी। हमने मैकेनिकल हार्वेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव फीचर फॉर फार्मर्स नॉर्थ इंडिया हु करंटली यूज द टेक्नोलॉजी फॉर पैडी। मोस्ट इंपोर्टेंटली अरहर स्ट्रॉ is green and can be plowed back into the soil. Paddy straw is the problem. High silica content does not allow easy decomposition because of the farmer even after combining harvest. It to run a roto wet to cut the leftover straw into pieces which can be plowed back will decompose very fast. This is very difficult. Paddy stalks that can be easily salvaged and plowed back. Farmers therefore close choose the easiest option of simply burning it. Most rational inference. वन नहीं हुआ सर, वन का बात ही नहीं करो, इनकम का बात ही नहीं।
मोस्ट डिस्टेंट इन्फिनिटी सर फोर फोर में भी नहीं बात हो सकता, करेंगे, पैडी स्ट्रो हैज नो यूजफुलनेस, तो फोर्थ हाँ और ये भी वन नहीं हो को हटा सकता देंगे, फोर और है बचा फिफ्थ, मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर इज द मेन कॉज फॉर स्टबल बर्न, ये भी ये गलत नहीं है, बोला ये सर, गलत ये भी है, गलत है, टू एंड थ्री, इन्फ्रेंस निकालना नेसेसरी, टू एंड थ्री हो इम्प्लीकेशन और रैशनल तो फिर टू क्या एंड थ्री, मारोगे? टू एंड थ्री, टू एंड फोर थ्री भी है, फोर भी नहीं आएगा, टू एंड थ्री आएगा। बिल्कुल सही बात है, पल्स पे फोकस है। इन इंडिया अथॉरिटीज ऑलवेज लुक टू स्टोर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इन रिजर्वायर ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन व्हिच इज देन यूज्ड फॉर इरिगेशन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द समर मंथ्स। इट इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस फॉर द वाटर लेवल टू बी रिजर्वड टू बी केप्ट बिलो सर्टेन लेवल बिफोर द मॉनसून ऑफ द मॉनसून सीजन। This so that when monsoon rain come, there is space to store excess rain water. Is also that water can be released in regulated manner, but the authorities should maximum rain amount for water in the reservoirs even before the close of the monsoon, only to ensure greater electricity generation and irrigation. Assumption: High risk involved in holding maximum water in reservoirs are due to our over dependence on True sir. hydropower. True. Storage One and two sir. Third capacity of dam should not be fully used. बात तो सही है। भी सही है सर। Role रोल of ऑफ dam डैम, रोल इज अंडर एस्टिमेट। हाँ ये भी ठीक है, ऑल आर करेक्ट, फ्लड कंट्रोल का अंडर एस्टिमेट कर रहे, बाकी हम लोग यूज करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक ज्यादा, ये बोलना चाह रहा था। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया हैज शेप्ड लार्जली बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द गवर्नमेंट देन बाय द इकोनॉमिक प्रायोरिटीज ऑफ द पीपल और बाय द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ द देयर लिमिटेशंस इन कंसेप्शन एंड डिजाइन व्हिच हैव बीन सब्सिक्वेंटली वैलिडेटेड बाय एक्सपीरियंस। Jobless growth, persistent poverty, rising inequality have mounted problems in economic liberation. All these years later, four quiet crises confront the economy, agriculture, infrastructure, industry, and education as constraint on the country's future prospects. These problems must be resolved if economic growth has to be sustained and transformed into meaningful development. सर मैं डी लगाऊंगा यहाँ पे, सर It is shaped by economic problems of the government rather than the people's priority. Logical inference. It is necessary to rethink and redefine economic role of the state. India has not made effective implementation. It is essential to rethink and redefine economic role of the state. क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट 45। मेरा गलत वसर है, मैंने इसको ओनली वन ओनली मार्क किया था इसमें। आंसर आंसर क्या है? इसका टू, बोथ वन हाँ एंड टू। टू होगा, यस टू होगा विद आंसर रेफरेंस अबाउट पैसेज फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड। नहीं सर, इन्फेरेंस कह रहा है सर, इन्फ्रेंस अजम्पशन इन्फेरेंस पूछ रहे हैं 46 में अजम्पशन कह रहा है भाई। नेक्स्ट, हाँ सर 46 में, 45th है ना, 45 नेक्स्ट तो हमने क्या कर पूछ, लिया ना, 46 सर, दोनों 45 में तो वन वन और टू गलत लो, सर। 46 में 46 में यस दोनों, हाँ गलत है, क्यों गलत है, बात गलत नहीं और करे गलत है। इकोनॉमिक रिलेशन कॉज अ लार्ज इकोनॉमिक, ये नहीं बात कर रहे सर। चलिए नेक्स्ट। सर तीनों आंसर इसका, क्योंकि अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल जाएगा, मतलब डिस्काउंट रेट उसको 100 लेके चले तो 190 ऐसे करके। 48 में ए टू जेड का वैल्यू 1 to 26 है, तो इसमें डी ई एफ है, तो डी का 5 होता है, ई टी का 4 होता है, ई का 5, एफ का 6, तो 4 5 6 × 2 912 होता है, तो उसी पैटर्न में एबीसी का 1 2 3 हुआ इंटू टू 246। चलिए नेक्स्ट। लॉजिकल फिर 49 में मिसिंग टर्म ए, तो ए टू बी जाने में एक है, 1 का डिफरेंस है, सी से ई जाने में 2 का डिफरेंस है, पी से एस जाने में 3 का है, और क्यू से यू जाने में 4 का है, तो वैसे ही एम से एन जाने के लिए एन पी जे एम डी होगा सर, सेम होना चाहिए इसमें। 50 तो इसका माइनस ऊपर में रहता है, तो उसका मतलब उल्टा करना पड़ता है, हाँ, नीचे वाली पावर मतलब तो ये टू टू रेस्ट, पावर ऑफ 6 हो गया, 2 to power of 6 हो गया पहला आंसर है, सेकेंड वाला भी 2 to power of 6 है, क्योंकि 2 to power of 2 × 3, 2 to power of 6 हो गया, थर्ड वाला 3 into power of 4, और फोर्थ वाला है 6 to power of 2। इसको सॉल्व भी कर लेंगे अगर छोटा सा आंसर इसका है, तो और फिर इसका ठीक आंसर सी है होगा। नेक्स्ट। ग्रेटेस्ट लेंथ पूछ रहे हैं, हाँ और फिर आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एक्स,
तो एक्स का इंटीग्रल मल्टीपल है, तो ग्रेटेस्ट क्या होगा इसका, एच सी एफ। तो एच सी एफ ऑफ न्यूमरेटर बाय एल सी एम ऑफ डिनोमिनेटर, इसका जो आंसर है वो वही आंसर, तो 1/3/4 है। ओके 52 52 का नेचुरल ग्रोथ रेट मैक्सिमम कब हुआ है, तो ग्रोथ रेट मतलब होता है कि बर्थ माइनस डेथ, वो एक ग्रोथ होता है, तो सबका माइनस करना पड़ेगा, तो ये मैंने छोड़ दिया था, एक एक करके माइनस करना पड़ता है, आंसर निकलेगा। 53 रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 1.272727 इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है मुझे याद नहीं था, लेकिन मैंने डिवाइड किया 14/11 को, तो उसका आंसर निकल गया 1.272। 54 विच इज द लीस्ट फोर डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3456, तो मतलब बताना चाह रहे हैं कि 3456 से डिवाइड होना चाहिए वो नंबर, वो लीस्ट हो, तो थ्री फोर रिमाइंडर फाइव सिक्स का एलसीएम हो, लीस्ट कॉमन फैक्टर, और जो हाँ जो आएगा एलसीएम वो आएगा करीब करीब 60 आएगा। अब बात कर रहे हैं मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 60 तो आंसर है नहीं, 62 होना चाहिए था आंसर बेसिकली, लेकिन है नहीं, फोर डिजिट पूछ रहा है, तो 60 को फोर डिजिट तक लेके जाओ, 61 जो 60, 62 जो 120 ऐसे करके, तो अप्रोक्सीमेटली 18 में आएगा, 2000 1020 आएगा बेसिकली, 60 का मल्टीपल में, तो प्लस टू कर दिया, तो 1022। सर ये क्वेश्चन सर मानसी के साथ मैंने डिस्कस किया था, तो जैसे ओशिक ने बताया मैंने वैसे नहीं किया, इसमें सर ये देख लिया था कि 3, 4, 5, 6 मतलब कौन से दो टेबल ऐसे जो मतलब जो सेम ही तरीके से काटते, तो 3 और 6 हो गया, और सर फिर एक 5 होता तो 5 में आखिरी में 0 होना चाहिए तभी कटता है, तो इस वजह से हमने हाँ सही शायद हमने क्वेश्चन, ऐसे किया था। हाँ सही क्वेश्चन, सही है। नेक्स्ट तो ये वेन डायग्राम है इसका, हाँ ये वेन डायग्राम तो उससे निकल जाएगा। नेक्स्ट अब व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन ये डिवाइड बाय 100, तो इसमें अगर इसमें कॉमन ले लेंगे अगर, क्योंकि 5 × 7 है 35, और 75 है 5 × 25, 5 × 15, तो फिर कॉमन लेंगे, तो फिर आंसर इसका 50 आएगा, मतलब ये तरीका है करने का सर ये ओके 57 रेशियो वाला है सर, डायरेक्टली मैक्सिमम शेयर किसका है इसमें, 5/6 का है, और मिनिमम 1/2 का है, तो 5/6 − 1/2 इंटू 2500 फाइव एडिशन ऑफ इन ऑल थ्री, तब निकल जाएगा डिफरेंस इसका वैल्यू, 400 है इसका, एन की वैल्यू एन बिना के वैल्यू फैक्टर। 1 डालने से 11 आता है, 2 डालने से 101 आता है, सब में 2 आएगा, तो एन का वैल्यू कुछ भी होगा इसमें, तो रियल नंबर नहीं होगा, सिर्फ नेचुरल नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, तभी जाके सम 1 2 3 4 डालना होगा तो इसका भी। 59 का है, बता रहा है कि अगर कोई क्लास है उसमें 3 ग्रुप है, ए बी और सी, ए बी एंड सी, अगर ग्रुप के अंदर में इंटरचेंज करेंगे तो उसका वेट घटेगा कि नहीं, लेकिन आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एवरेज वेट ऑफ टोटल क्लास, तो ये रेस्पेक्टिव हमेशा ग्रुप के अंदर सेम कितना भी होता चेंज करें तो चेंज सेम ही रहेगा टोटल क्लास का वेट। तो 60 का ये वाला मेरे से नहीं बना था सर, तो देख लो मैं, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है, मैं छोड़ देता हूँ उसे। वैसे जाके फिर से जी। बैंक क्रेडिट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज स्टार्टेड श्रिंकिंग, सीरियस कंसर्न हैज क्रेडिट ग्रोथ इश्यूज रिवाइव इन्वेस्टमेंट, द प्रॉब्लम ओरिजिन लाइज इन इनकंप्लीट रिफॉर्म द लास्ट 25 इयर्स इन द इंस्टीट्यूशनल चेंज दैट शुड हैव फॉलोड द 1990s शुड हैव बीन सेटिंग अप रिजर्वेशन कॉर्पोरेशन फॉर बैंक्स इन मार्केट इकोनॉमी विद बूम एंड बस्ट बैंक शुड अलाउ बी सेट अप एंड फॉल फेल टुडे वी कैन नॉट शट डाउन बैंक्स बिकॉज़ देयर इज नो प्रॉपर सिस्टम टू शट देम डाउन व्हाट वीक लॉस मेकिंग बैंक्स कंटिन्यू टू नीड मोर कैपिटल मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इन्फरेंस व्हाट यू कैन मेक आउट फ्रॉम द अबव पैसेज। पहला तो नहीं है, दूसरा हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, और चौथा नहीं हो सकता, बीसरे और तीसरे में से एक मारा जाएगा, बताओ। हाँ सर, से इसमें बात बात कर रहे हैं बैंक का फेलियर का, तो सी होगा, इन्फ्लेंस हुई है, दैट्स इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक रिफॉर्म का बात नहीं कर रहे, वो बस इकोनॉमी का बात नहीं कर रहे, इसमें बात कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर का, तो बी नहीं है प्लस।
Tremendous potential for solar energy. We will all that we have to stop burning fossil fuels to meet our energy needs, but certain resources are still going through the cost curves and learning curves. Indian government has strongly committed its target for reducing emission 33% 2030. The initiative is strong push, gas-based economy, heavily invested in renewable energy. Businesses are wary of heavily in energy at a time when the technology is not yet ready. This can be influenced with all that. इसका बता रहा है कि 33% अनलाइकली गलत है ये पहला. सेकंड भाई इंपोर्ट करना चाहिए गैस को रादर है इन्वेस्ट इन ये बोल नहीं कर रहा है. थर्ड गलत है. सेकंड गलत है. थर्ड बोल रहा है कि अगर आप जा रहे हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में तो कॉस्टली एक तरह से सी हो सकता है. फोर्थ में बोल रहा है कि इट शुड पोर्ट मेथड एंड एक्सप्लोरेशन नेचुरल गैस. ये बात नहीं कर रहा. सी है इसका. और फिर में रॉन्ग वर्ड सर. तो इसका मैंने दोनों गलत मार्क किया सर. आंसर क्या है? ओनली वन ओनली फर्स्ट करेक्ट ओनली. इसमें ऑफन प्रोवाइड इनसफिशिएंट कॉस्ट सब्सिडी फॉर टेक्नोलॉजी दैट आई एम नॉट रेडी फॉर फ्यूचर. ये तो बोल ही रहा है ऑफन से मुझे लगा कि तो ये वन ऑन बहुत सही है. Genome editing is different from genome modification. Editing, finding parts of plant genome could be changed in order to render it less vulnerable to the disease, resistant to certain herbicides, increase yields. Researchers use molecular sieves to dissect genome and repair. Process occur naturally. Plants are under attack from disease, can throw up new mutations. Enable the plant to survive from future attacks. Evolutionary process can effectively speed up now that it's possible to examine plant genome in detail in laboratories. Create mechanisms through which the relevant genes can be altered very precisely. Two to hai? Pehla nahi hai sir. Haan pehle mein dekhte hain. Two hai ki nahi hai? Genome editing does not require the transfer. Two hai. Ha? Two hai sir, one B hai. One B hai. Regular two hai. Kya mara? Maine sir B mara. बात तो सही है. हाँ मैंने अभी अभी वापस पढ़े तो हाँ सही. डज नॉट रिक्वायर हर बार नहीं होता ये कि वन प्लांट टू अनदर अंदर भी कर सकते अभी आके सर. जीनोम एडिटिंग सर जिसने पढ़ा वही सही कर सकता है फिर तो. नहीं सर इसमें जीनोम एडिटिंग लिखा हुआ है ना. इसमें जीन को एडिटिंग का सिर्फ लिखा हुआ है. जरूरी नहीं ट्रांसफर हुआ हमेशा उसमें. तो उसमें लिखा है डज नॉट रिक्वायर न ट्रांसफर. तो कितने क्वेश्चन पहले सही है. 65 66 से काम हो जाता है ना सर. मैंने 61 किया इसमें. इसमें से 50 सही बता. तो 65 से 70 ठीक करोगे काम हो जाएगा. हां 60 सा 60 बन पाया सर मुझे से. बिल्कुल हमने भी स्पीड करने पा दी. हम फटाफट से खत्म करते हैं. मैंने पीपल अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हेल्थ इन टर्म्स ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनअटेंडेड हीप्स ऑफ ड्राई गार्बेज वर्मिंग. What happens when unsafe solid waste management combines with poor drainage and dumping of unsafe waste into drains, which is meant for carry storm water during rains? Choking of drains full of stagnant water, breeding mosquitoes, resulting in spread of waterborne disease. Critical message. पहले बात ही नहीं कर रहे सिर्फ. सेकेंड बात नहीं कर रहे. थर्ड बात कर रहे. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट शुड बी इंटीग्रेटेड विद द मेंटेनेंस ऑफ ड्रेनेज सीवरेज और सॉल्ट. ड्रिंकिंग वाटर अगर चौथे में ना होता तो चौथा भी हो जाता. हाँ, मतलब चलो मानसी बी अलर्ट पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इंश्योर्स प्रोपर्टी सर्टेन फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 25 ऑल पीपल आर इक्वल इंटाइटल टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस राइटली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट द रिलीजन. व्हाट पीपल फेल टू नोटिस दैट दिस प्रोक्लेमेशन इज द वर्ड सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी हेल्थ एंड अदर. समझा रहा है ये आर्टिकल virtually constitutes a subordination clause placing other. Chaliye aage. Fundamental rights mentioned in part 3 over the rights of religious. Among those who other fundamental rights is the right to equality before law, equal protection of law. At the outset and elaborated in the related article to me in intro earlier, the state should not deny equal protection of law to any person or group of person on the basis of religion alone. Most logical. पहला बोल रहा है स्टेट शैल नॉट इंटरफेयर. नहीं बोल रहा कर सकते हैं इंटरफेयर. और दूसरा बात कर रहा है कि रिलीजियस फ्रीडम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ओपन टू स्टेट इंटरवेंशन.
ये इधर सब, एक तो होता क्योंकि सी गलत है और डी तो पूरे गलत, नोट तो बी। करो। तो ये मैथ वाले जो क्वेश्चंस हैं वो तो जैसा आपने बात की आप करते चलेंगे तभी होगा, और आगे चलिए 70 हाँ से सर, आगे। इसका फिर डेली है ना, डी और आई को रखेंगे, ई एल एच का 3 × 2 × 1 सिक्स परमुटेशन है सर, सिक्स। कॉम्बिनेशन है सर। 68 का ए एंड बी ए कॉलम बनाएंगे तो उसमें आंसर निकल जाएगा सर, कौन सा मिलाना किसमें। 9 में 69 का, 69 का एवरेज स्कोरिंग है तो 58 तक का एवरेज है, 60 का एवरेज है, 60 का सेट निकालना है तो सेम फॉर्मूला यूज करना है सर, जो ए इंटू बी प्लस सर 70 वाला भी इस और पर क्या, सी पी एस पी वाला सर हाँ निकल जाएगा सीपीएस सर। फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक्स एंड वाई का वर्क डन, 20% वर्क 8 दिन में होता है तो पूरा वर्क कब होगा, तो 16 दिन में होगा, ऐसे बी करके निकालना है वाला सर। क्वेश्चन आज 72 का सर सी स्पीड डिस्टेंस है, तो सेवन। आना जाना जो भी है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो एवरेज हाँ स्पीड सर होता है, है ना, तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इनटू ए। इंडिविजुअल इंडिविजुअल स्पीड निकालना है सबका, और फिर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करना है, इंडिविजुअल टाइम निकालना तभी निकल। 73 छोड़ देते हैं कि ये इजी परमुटेशन है ये वाला, 73rd इजी है क्वेश्चन। ड्रॉ करके का। देखोगे ना तो आंसर जब ही निकलेगा। मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स इंटरसेक्शन ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल, 2 तो होंगे ही होंगे। अब कैसे भी मतलब उसको कॉर्नर पे ड्रॉ करोगे, इंटरसेक्ट करेगा तो 2 पॉइंट से जरूर क्रॉस करेगा। और दूसरा बोल रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ स्क्वायर एंड सर्कल, तो 8 होगा ऊपर बना दोगे तो पूरे मतलब हर हर साइड से इंटरसेक्ट करेगा तो 8 ही आएगा। सर्कल स्क्वायर बना के उसके ऊपर सर्कल बना दो, हर जगह हाँ जी। तो बनेगा वो। सर छोड़ा का है भाई फिर मुंह। चलो 74 का से स्पीड ऑफ करंट अगर सी है, अगर स्पीड ऑफ को माइनस फॉर्मूला करना है, प्लस माइनस करना है सर। चलो 75। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर आर देयर डिफरेंस हुज स्क्वायर इज 63, तो ये निकालना पड़ेगा ऐसे की करोगे तो फिर छोड़। मिनिमम चेंज इन द वैल्यू इफ 5 इज तो एडेड। सबसे बड़ा नंबर में जो भी ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करते हैं तो मिनिमम चेंज होता है, सबसे बड़ा नंबर सेवेंटी ढूंढना है इसमें से, 5/6 है। एन इज सेवन ग्रेटर देन 3 आर डिविजिबल बाई 3 बट नॉट डिविजिबल बाई 6, और बात कर रहे हैं कि विच वन द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 4, तो इसको एग्जाम्पल तो उसको ले लेते हैं, एन का कोई वैल्यू ले सकते हैं, हाँ तो एन का इसमें 2, 2, 3, 18 ले सकते हैं, कोई नहीं, एन आप नॉट डिविजिबल ना, 9 ले लेंगे सर, 9 ले लेंगे फोर एन का वैल्यू, तो आंसर निकल जाएगा। 9 इज नॉट 78 डिविजिबल बाई 6, डिविजिबल बाई 3, तो 4 कौन, 9 × 13। 1 लीटर होता है 1000 क्यूबिक मीटर, तो हाँ। मिलीमीटर निकालना है, उसको आंसर निकल जाएगा सर 0.1। तो सारी तो चीज दी का जैसे वेसल फुल ऑफ वाटर वेट 40 kg। वेसल फुल ऑफ वाटर वेस 40 kg, तो 40 kg में दोनों वेट ऑफ वेसल भी है और प्लस वाटर भी है, प्लस एट्टी और जो सेकंड में पूछ रहा है कि 1/3 ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ वेसल इज इक्वल 20 kg, दोनों सॉल्व करने से आंसर वेट ऑफ वेसल। एट्टी इसमें बात करेंगे 4.5 सेंटीमीटर डीप है, हर बार फ्रॉग जंप करता है 30 सेंटीमीटर और फिसलता है 15 सेंटीमीटर, तो एवरेज इफेक्टिव 15 ही, पंद्रह ही हुआ। तो हाँ 15 15 15 15 ऐड करते रहना ना, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि 420 पहुंचता है ना, जब जब कूदेगा ना तो 29th वाला में बाहर निकल जाएगा, अट्टी वापस को नहीं फिसलेगा। हाँ हाँ तो 29 वाली रहेगा आंसर इसका। 81 हो हो गया सर, गए सर। 80 होते हैं सर इसमें ठीक क्वेश्चन। है, आई थिंक आई लाइक इट। वी कैन डेफिनेटली थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, अलग अलग टाइप के फॉर्मूलाज और क्वेश्चंस, बट डेफिनेटली इट इज डूएबल एंड विनिंगफुल एंड वंडरफुल। थैंक यू वेरी मच। वी विल डिस्कस मोर आइडियाज इन आवर नेक्स्ट क्लास।